नागपुर में राज्य राखियों पुलिस बल कमांडेंट के गनमैन की पिस्तौल 30 राउंड कारतूस के साथ चोरी हो गई है। चौंकाने वाली बात यह है कि पुलिस कॉलोनी में एक घर में घुसकर चोरों ने पिस्तौल और कारतूस चुरा ली है। इसलिए तस्वीर से पता चलता है कि चोर पुलिस को चुनौती दे रहे हैं। राज्य राखियों पुलिस बल के एक पुलिस कांस्टेबल मंगेश लांजीवार पुलिस की कॉलोनी में रहते हैं। लांजीवार SRPF है। ग्रुप नंबर 4 के डायरेक्टर प्रियंका नारनौरे के यहाँ गनमैन के तौर पर काम कर रहे हैं। मंगेश लांजीवार अपनी पिस्तौल और 30 जिंदा कारतूस घर पर रखकर साप्ताहिक अवकाश पर भंडारा गए थे। इसी बीच चोर उनके घर में घुस गए और अलमारी का ताला तोड़कर अंदर रखी पिस्तौल और 30 जिंदा कारतूस चोरी कर ली। जब मंगेश नागपुर लौटे तो उसने दरवाजे का ताला टूटा हुआ पाया और पिस्तौल और कारतूस गायब थे। इस संबंध में MRDC पुलिस स्टेशन में चोरी का मामला दर्ज किया गया है। चौंकाने वाली बात यह है कि पहले भी नागपुर शहर के एक थानेदार की सर्विस रिवॉल्वर चोरी हो चुकी है, लेकिन उसका अब तक पता नहीं चल सका है। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अभिषेक पांसी की रिपोर्ट।